संसद भवन की नई और पुरानी बिल्डिंग की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF को सौंपी गई है और 20 मई से CISF के 3317 जवान संसद की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पिछले साल 13 दिसंबर को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले के बाद ये फैसला किया गया है। वहीं संसद में तैनात रहे CRPF के पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप PDG ने 17 मई को अपने 1400 जवानों को वापस बुला लिया है, साथ ही अपने सारे वाहन हथियार और कमांडो भी हटा लिए हैं। CRPF के कमांडर DIG रैंक के अधिकारी ने संसद सुरक्षा से जुड़ी सारी जानकारी CISF को सौंप दी है और सीनियर CISF ऑफिसर ने कहा कि CRPF PDG दिल्ली पुलिस के करीब 150 कर्मी और संसद सुरक्षा कर्मचारी PSS जो कि संयुक्त रूप से अब तक संसद की सुरक्षा करते थे उन्हें भी वापस लिया गया है। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक CISF के 3317 जवान संसद की आतंकी और किसी भी तरह के हमलावरों से रक्षा करेंगे और पिछले 10 दिन से CISF के जवान ट्रेनिंग में ले रहे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSC के ब्लैक कैट कमांडो के साथ भी ट्रेनिंग दिलवाई गई है। CISF जवानों को एंट्री गेट पर लोगों की चेकिंग, सामान की चेकिंग, बम का पता लगाना और डिफ्यूज करना, आतंकी हमले पर क्विक एक्शन, स्नाइपर टास्क और पब्लिक इंटरेक्शन, लोगों के साथ पेश आना की ट्रेनिंग दी गई है। 13 दिसंबर 2023 को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक के बाद पार्लियामेंट कैंपस की सिक्योरिटी के लिए CRPF के DG की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और उसके बाद CISF की तैनाती का फैसला किया गया। बता दें कि CRPF जवानों को संसद छोड़ने का बहुत ज्यादा दुख है। CRPF अधिकारी ने बताया कि 17 मई को संसद परिसर छोड़ते वक्त PDG जवान दुखी थे, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बावजूद उन्हें यह ड्यूटी छोड़नी पड़ी। जवानों ने यहाँ से जाने से पहले देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन की जिम्मेदारी से रक्षा करने की याद में फोटोज और सेल्फी ली और ये भी कहा कि साल 2001 के आतंकवादी हमले के दौरान CRPF कर्मियों ने ही अन्य सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर बहादुरी से आतंकियों का मुकाबला किया और इस घटना में CRPF जवान शहीद हुए थे, कुछ को गारंटी अवार्ड दिया गया था। बता दें कि इस बार CISF के पुरुष और महिला जवान जो रिसेप्शन पर तैनात रहेंगे उनकी ड्रेस अलग रहेगी, सफारी सूट के अलावा हल्के नीले रंग की शर्ट और ब्राउन पैंट पहने दिखेंगे। संसद भवन की सुरक्षा छोड़कर गए PDG और CRPF की VIP सुरक्षा विंग की 6वीं बटालियन के साथ उसमें मर्ज किए जाने की उम्मीद है। वहीं PSS को केंद्र सरकार के अन्य भवनों की सुरक्षा में तैनात किया जा सकता है।